अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारी सेकंड शायरी है और अभी आपने टाइम भी देखा और शायरी भी वहाँ पर रखा हुआ है और ये कपड़े काफ़ी दिनों से ऐसा ही पड़ा है जिसका तह भी नहीं लग रहा है। तो अभी जो है हम शायरी कर लेते हैं। मैंने चाय बना लिया और आप लोगों ने जो पहले ब्लॉग में देखा था जो सालन बैगन का था, दही बैगन का, वही सालन और दाल रखा हुआ है। तो अभी मैं सहरी करके नमाज़ पढ़ के नियत कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलेंगे दोपहर को। तो जी अभी जो है दोपहर हो चुका है और मैंने जहर की भी नमाज़ पढ़ लिया। और ये देखिए मैंने अभी ना प्याज लिया आधा किलो। तो मैं आज ना ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊँगी, आज मैं सिर्फ बनाऊँगी इसी प्याज का पकौड़ा बिल्कुल, क्योंकि गर्मी भी आ रही है हमारे कंट्री में। और ये देखिए ये काफ़ी बड़ा प्याज है और मैंने आलू को भी काट रही हूँ, एक आलू और प्याज काफ़ी होता है। तो मैं इनके बनाऊंगी पकोड़े और कुछ भी नहीं बनाऊंगी ज़्यादा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले ना एक वीडियो जो है घिया गोश्त का वो बीच में आ गया था, तो इसलिए मैंने जो इफ्तारी का जो इतने भी ब्लॉग थे वो कंटिन्यू मैंने नहीं डाला। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी ये ब्लॉग जो है ये नेक्स्ट ब्लॉग आते रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर जो है ना प्याज को काट लेती हूँ और आलू को भी। और अभी ना शाम हो गया तो असर का भी टाइम हो गया है। तो मैं ना पकोड़े बिल्कुल और जो है ना इफ्तारी के पहले ही फ्राई करूँगी, क्योंकि अभी हमारे 7 बजने के बाद जो है हमारे रोज़े इफ्तारी हो रहे हैं, क्योंकि जो है दिन भरा हो गया। तो अभी मैं सब कुछ रेडी करके रख दूँगी, फिर मैंने असर की नमाज़ अता कर लूँगी। और आप लोगों के लिए मैंने ढेर सारी दुआएं करूँगी और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जी प्याज काट लिया और मैंने थोड़ा सा ही बना रही हूँ पकोड़े। तो और मुझे पकोड़े इतना अच्छे तरीके से बनाना भी नहीं आता है, तो अभी इसको रेडी कर दिया। तो चलिए असर की नमाज़ अता करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। असर की नमाज़ के बाद व्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असर की नमाज़ पढ़ लिया और ये मैंने कुछ सामान खाने के लाई थी, ये देखिए जो आप लोगों ने शेयर नहीं किया, ये सेवैयाँ है और पानी पूरी का मसाला है और एक केक है और इसमें गोलगप्पे हैं और इसमें फ्राई करने वाला पापड़ है। तो ये मैंने थोड़ा सा लेके आई थी सामान। और ये सूजी है जो हलवा बनाने के लिए। तो अभी इनमें से ये पापड़ जो है इसको फ्राई करते हैं। और आप लोगों को बता दूँ मेरा तेल जो है वो ख़त्म हो चुका है रिफाइन, क्योंकि रमज़ान में जितना लाई थी वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो थोड़ा सा ही बचा है तो उसी तेल को ही मैं जो है मैंने उसका गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल। तो अभी मैं ना इसीलिए जितना तेल है इसी का गुजारा कर रही हूँ और देखिए इसलिए मैं कम कम तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो मेरा पकौड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बन चुका है। और यहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा तैयारी तैयार कर दी, इधर पापड़ भी, रुआबसा भी, थोड़ा सा फ्रूट जो है ना ये ख़राब हो गया तो मैंने इसको रहने दिया। तो अभी देखिए 7:15 हो रहे हैं और चलिए अब तैयारी की ना सारा कुछ तैयार करके रख लेते हैं, फिर रोज़े अफ्तारी के बाद आप लोगों से मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोज़े अफ्तारी हो गई है, मगरिब का नमाज़ भी अता कर लिया। और आप लोगों को मैं अपना चेहरा भी दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार बोलना चाहूँगी कि मैं खुद ही व्लॉग बनाती हूँ इसलिए मैं अपने आप को नहीं दिखा पाती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो है रोज़े अफ्तारी के बाद यहाँ पर सब कुछ मैंने रख लिया है। और मैं आप लोगों को एक नया चीज़ दिखाऊं, इसको मुरमुरा कहता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है आपको पकोड़े के साथ खाने में, माशाल्लाह बहुत ही यम्मी लगता है। और मैंने सेवैयाँ भी रख लिया और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, क्योंकि मगरिब की नमाज़ के बाद रोज़े अफ्तारी के बाद मुझे चाय लाजमी चाहिए। तो उसके बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाय पी लिया और मैं फिर से अपने चेहरे को दिखा देती हूँ इसलिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि मैं कैमरे के सामने क्यों नहीं आती हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया जो मेरा ओल्ड व्यूअर है कि मुझे कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आती नहीं हूँ।
तो ये सब की अपना पर्सनल होता है कि किसी को पसंद किसी को नहीं है। और ये मेरी कांच की चूड़ियाँ देखिए, मैंने इनको निकाल लिया, ये बहुत इरिटेट करते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती हूँ। और यहाँ पर मेरे कपड़े फिर वही हाल में पड़े हैं, जिसको तय करने के लिए काफ़ी टाइम से 2-4 दिन से पड़े हैं, जिसको नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी हो गया सहरी का वक्त, और अभी ना सहरी कर लेती हैं। तो ये देखिए, मेरा जो कल का सालन था बैंगन का, जो आपने पहले ब्लॉग के देखे हैं, वही बचा हुआ था, और एक थोड़ा सा दाल था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया था इस खाने में। और अभी मैं सहरी करूँगी, चाय भी बन रहे हैं, और बज गए 3:30। तो सहरी करेंगे और ब्लॉग भी यहाँ पर करेंगे एंड। और आप लोगों को मेरी वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा, जो सावल की सहरी से इफ्तारी का रूटीन, तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।